काशी विश्वनाथ मंदिर लाई गई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा। योगी की मौजूदगी में मां की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 107 साल पहले चोरी हुई मूर्ति कनाडा से वापस लाई गई है। सीएम योगी ने काशी में मां अन्नपूर्णा की पालकी उठाई। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां के मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा हुई। पीएम मोदी रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का वर्चुअल उद्घाटन किया। 25 फीट ऊंची है बिरसा मुंडा की प्रतिमा। पीएम मोदी ने कहा, देश की स्वतंत्रता में आदिवासियों का अमिट योगदान। बिरसा मुंडा संग्रहालय को बताया आदिवासी संस्कृति का प्रतीक। प्रधानमंत्री मोदी का आज भोपाल दौरा। बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस सम्मेलन में शामिल होंगे। जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू करेंगे। भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन सज धज कर है तैयार। आज प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन किया गया। दिल्ली के प्रदूषण पर सुनवाई शुरू। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार का हलफनामा। कहा पूर्ण लॉकडाउन के लिए तैयार। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर अब भी बेहद खराब। आईटी और आनंद विहार में AQI 400 के पार रहा। नोएडा और गाजियाबाद में भी हुआ बुरा हाल। दिल्ली में प्रदूषण पर बीजेपी ने केजरीवाल को घेरा। केजरीवाल का मांगा इस्तीफा। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा, दिल्ली सरकार ने 7 साल में सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं किया। बढ़े प्रदूषण की वजह से आज से दिल्ली सरकार के कर्मचारी एक हफ्ते तक घर से काम करेंगे। स्कूल भी एक हफ्ते के लिए बंद। ऑनलाइन क्लास चलेंगी। 17 नवम्बर तक निर्माण कार्य बंद। प्रधानमंत्री मोदी कल यूपी के सुल्तानपुर में देश के सबसे लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 42,000 करोड़ की लागत से बने एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल के कई शहरों को फायदा होगा। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष का दावा। कहा अफवाहों पर ध्यान ना दें। कल तय समय पर अखिलेश यादव का गाजीपुर में कार्यक्रम होगा। फटाफट अंदाज में दिखा देते। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज यूपी के मुरादाबाद में पदाधिकारी प्रतिज्ञा सम्मेलन को संबोधित करेंगी। पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से 2 दिन का उत्तराखंड दौरा। विधानसभा की कोर ग्रुप की बैठक में हिस्सा लेंगे। प्रभारियों के साथ चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। गुजरात के मोरबी जिले के जांजुरा गांव में 120 किलो हेरोइन के साथ 2 लोग गिरफ्तार। गिरफ्तार लोगों में से 350 करोड़ की हेरोइन बरामद। गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया। बरामद हेरोइन की कीमत 600 करोड़ के बीच। गुजरात ड्रग्स केस को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने साधा निशाना। कहा उड़ता गुजरात। सामना संपादकीय में शिवसेना ने महाराष्ट्र की हिंसा को बताया साजिश। पूछा मौलवियों के कंधे पर रखकर कौन बंदूक चला रहा है। चुनावों से पहले ही हिंदुत्व क्यों खतरे में आता है। मणिपुर में शहीद राइफलमैन सुमन स्वर्ग का पार्थिव शरीर असम के जोरहाट पहुंचा। पैतृक गांव बक्सा में दी जाएगी अंतिम विदाई। आज राष्ट्रपति और गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे पंजाब बीजेपी के नेता। करतारपुर कॉरिडोर खोलने, किसानों के मुद्दे, पंजाब के सियासी हालात पर बातचीत होगी। कल पीएम मोदी से मिला था डेलीगेशन। यूपी के लखीमपुर हिंसा मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई। कोर्ट ने SIT की जांच पर असंतोष जताया था। निगरानी के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की नियुक्ति की बात कही थी। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 3 आरोपियों की जमानत अर्जी पर आज सेशन कोर्ट में सुनवाई। 3 नवंबर को सुनवाई टल गई थी। JNU में एक बार फिर ABVP और ISA छात्र संगठनों के बीच मारपीट। ABVP ने लगाया ISA पर मारपीट का आरोप। पुलिस ने ABVP की शिकायत पर मामला दर्ज किया। गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में तिरुपति में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की हुई बैठक। 26 विषयों पर
दक्षिणी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 4 घंटे तक चर्चा हुई। ABP News आपको रखे आगे।